द फियर स्ट्रीट ट्रिलजी हॉट टॉपिक इस टाइम का पूरी दुनिया में। ट्रिलजी पूरी की पूरी 3 हफ्तों के अंदर रिलीज कर दी गई नेटफ्लिक्स पे 2021 में अंग्रेजी भाषा में, और वो भी बहुत भयंकर हिट हो गई। एंड आई एम नॉट विद इट, मुझे नहीं पसंद आई। तो वेलकम एवरीबॉडी टू द बेसिक एनालिसिस ऑफ द फियर स्ट्रीट ट्रिलजी। पूरी ट्रिलजी के बारे में बात करेंगे उसका बेसिक एनालिसिस इस वीडियो में। वॉच टिल द एंड, यहां पे पता चलेगा कि इस ट्रिलजी में क्या क्या अच्छा है क्या क्या बुरा है, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि आपको 3 मूवीज पे अपना समय खर्च करना है या नहीं। तो वॉच टिल द एंड, एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द 10-part सीरीज ऑफ बेसिक एनालिसिस। 10 दिन, 10 basic एनालिसिस, 10 different मूवीज। Actually, now I'm realizing it is actually 12 movies. So, watch them all. So, let's kick off the video with the part 1, Fear Street Part 1, 1994. Movie release हुई थी Netflix पे, पहली movie है trilogy की। अगर movie की story की बात करी जाए तो पूरी trilogy की story कुछ इस प्रकार है कि एक witch थी जो कि 1666 में मार दी गई थी, और उसका curse है इस town पे, और इस town में जो है लोग बवला जाते हैं, serial killer बन जाते हैं, लोगों को मारने लग जाते हैं। और इसके अंदर कई सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो कि बहुत सारी क्लासिक हॉरर मूवीज से इंस्पायर्ड हैं, जो कि इस दुनिया में, इस मूवी के इन यूनिवर्स में रियल हैं, बिल्कुल असली हैं, मूवी नहीं है। अब अगर मूवी की बात करें जाए स्टोरी की, तो स्टोरी बहुत ही जेनेरिक है टू बी ऑनेस्ट, एंड आई डिडंट लाइक द मूवी, पहली बता दूं। दूसरी चीज, अगर मूवी के थोड़े से स्क्रीन प्ले की बात करी जाए, एडिटिंग की बात करी जाए, तो कहीं मोमेंट्स पे इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स पे मूवी बहुत फास्ट जाती है। मतलब अभी ये हुआ, फिर एकदम से ये हो गया, फिर एकदम से वो हो गया, एंड यू फील लाइक कि यू आर बीइंग चीटेड, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो बस तुम्हारा काट रहे हैं। एंड मूवी हैज अ लॉट ऑफ होमाजेस, अ लॉट ऑफ पैरेलल्स, अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस अलग अलग मूवीज से, अलग अलग क्लासिक हॉरर मूवीज से। स्क्रीम हो गई, हैलोवीन हो गई, फ्राइडे 13th हो गई, इन सब मूवीज से इसके अंदर पैरेलल्स हैं, प्लॉट पॉइंट्स में भी रेफरेंसेस भी हैं। एंड द प्रॉब्लम विद दैट इज इट इज नॉट अ गुड मूवी, एक अच्छी मूवी नहीं है ये। सिर्फ मूवी के अंदर रेफरेंसेज होने से मूवी अच्छी नहीं बन जाती, सिर्फ मूवी के अंदर मेटा जोक्स होने से मूवी अच्छी नहीं बन जाती। मूवी के अंदर कुछ सीक्वेंसेस हैं, कुछ सीन्स हैं जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं, और वो अच्छे इसीलिए हैं, उनमें इमोशनल डेप्थ इसीलिए है, उसके अंदर मैं कैरेक्टर्स के लिए रूट इसीलिए करता हूँ क्योंकि वो सीन्स अपना टाइम लेते हैं। एंड अदर देन दैट, जो भी मूवी के प्लॉट पॉइंट्स हैं वो बहुत जल्दी 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 चलते रहते हैं। अभी वो लोग पहुंचे, अभी उन्हें मिल गया, क्या करना है मूवी के अंदर, अभी वो करने लग रहे हैं उस चीज को। इट मूव्स टू फास्ट, और वो इतना फास्ट चलता है कि यू कैन नॉट इमर्स इन द मूवी। ऐसा लगता है कि मूवी तुम्हें लात मार दिया, बाहर निकलने से। एंड आई फेल्ट दैट, एंड आई डिडंट लाइक द फर्स्ट मूवी, बट आई डिडंट लाइक एनी ऑफ देम, बट फर्स्ट वॉज द वर्स्ट, सबसे बुरी है पहली मूवी ट्रिलॉजी के अंदर। अदर देन दैट, देयर इज अ सीक्वेंस, होल सीक्वेंस जहां पे सारे कैरेक्टर्स अपनी 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 पर्सनल कुछ साथ में भी अपनी अपनी क्या बोलते हैं सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं, एंड दैट सीन्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड हेंस दैट सीन इज प्रोबेबली द बेस्ट सीन इन द मूवी। और वही सीन है जहाँ पे मैं कैरेक्टर्स के लिए कुछ फील कर पा रहा हूँ, उस मूवी के अंदर अपने आप को इमर्स कर पा रहा हूँ, उसके अंदर इंटरेस्टेड देख पा रहा हूँ अपने आप को। तो अदर देन दैट, द मूवी देखो, ये एक स्लैशर मूवी है, एंड ऑब्वियसली नोबडी केयर्स कि इस मूवी के अंदर स्टोरी कैसी है, राइटिंग कैसी है, फलाना ढिमकाना कैसा है। एवरीबडी केयर्स अबाउट द किल्स, सीन्स, ब्लड, गोर। आई वन डिडंट लाइक दैट, क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा भयंकर अच्छे किल्स नहीं है, कुछ बहुत भयंकर अच्छा ब्लडी, कुछ गोर वोर नहीं है, कुछ बढ़िया सा, कुछ क्रिएटिव सा, आई डिडंट लाइक एनी ऑफ दैट। मूवी के अंदर पैरेलल्स हैं दूसरी मूवीज से, लेकिन मैं पैरेलल्स देखने में स्टोरी देखना आया हूँ, जो कि मुझे यहाँ नहीं मिली। रेफरेंसेज हैं, लेकिन रेफरेंसेज मूवी को अच्छा नहीं बनाती, वो बस मूवी के अंदर एक फ्लेवर ऐड कर देती है। उसके अलावा इस मूवी के अंदर मुझे कुछ भी ढंग का नहीं लगा। तो ओवरऑल आई डिडंट लाइक दिस मूवी, एंड ऑफकोर्स अगर आपको ये ट्रिलॉजी देखनी है और इस ट्रिलॉजी की बहुत हाइप है, और देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी आपको ये मूवी पसंद आ जाए, क्योंकि लोगों को मूवी पसंद आ रही है तो किसी वजह से ही पसंद आ रही होगी, लेकिन मुझे इस मूवी के अंदर पसंद आने लायक कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ एक दो सीन्स को छोड़ के। और अगर आपको ट्रिलॉजी देखनी ही है तो ऑब्वियसली आपको पहली मूवी देखनी पड़ेगी, ये पूरी की पूरी ट्रिलॉजी है, आप अभी के अभी जा सकते हैं नेटफ्लिक्स, पूरी ट्रिलॉजी देख सकते हैं, कुछ अराउंड 6-7 घंटे में आपकी ट्रिलॉजी पूरी भी हो जाएगी। तो ओवरऑल आई डिडंट लाइक दिस मूवी, एंड आई डोंट नो, अकॉर्डिंग टू मी आपको ये मूवी देखनी चाहिए, आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि आपकी मूवी में क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया। फियर स्ट्रीट पार्ट 2 1978, फ्राइडे द 13th से इंस्पायर्ड, और प्लॉट पॉइंट्स बहुत सिमिलर है फ्राइडे द 13th से। सेकंड मूवी है ट्रिलॉजी के अंदर, और एक्चुअली में पहली मूवी से थोड़ी सी ढंग की मूवी है, और उस मूवी से ये वाली मूवी बेहतर है। उसके अलावा इस मूवी के अंदर भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया, एकदम जेनेरिक, सब कुछ जेनेरिक, कतई जेनेरिक। मुझे किसी प्लॉट पॉइंट ने इंप्रेस नहीं करा, किसी ब्लड गोर की चीज़ ने, ये स्लैशर मूवी है जैसे कि इस मूवी से एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए अच्छे ब्लड और गोर की, मुझे वो भी कुछ खास नहीं लगा। कैरेक्टर्स स्टीरियोटिपिकल,
हो सकता है कि दे वर गोइंग फॉर दैट, क्योंकि जितनी भी फ्राइडे 13 मूवीज हैं जिससे ये चीज़ इंस्पायर्ड है उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल हैं, और इस मूवी के अंदर भी कैरेक्टर्स स्टीरियोटिपिकल हैं बहुत ज़्यादा हैं, और इसीलिए आई कैन नॉट फील अ सिंगल थिंग फॉर एनी वन ऑफ देम। कैरेक्टर्स ढंग के नहीं है, स्टोरी बहुत जेनेरिक है, उसके अलावा हर चीज़ प्लॉट के अंदर जेनेरिक है, एक्टिंग अच्छी एक्टिंग से क्या ही उखड़ जाएगा अगर मूवी में कुछ और उसके अलावा स्टोरी वगैरह के मामले में डंका है ही नहीं। तो अगर स्टिल अगर आपको ये ट्रिलॉजी देखनी है तो यू हैव टू वॉच दिस मूवी, ऑफकोर्स डेफिनेटली, क्यों नहीं भाई। और उसके अलावा अगर इफ़ यू हैव वॉच्ड मी, अगर आपने पहले मेरी वीडियोज़ देखी हैं, अगर आपने पहले मेरी ओपिनियन सुनी हैं, अगर आपने पहले मैं किस प्रकार की मूवीज़ को पसंद करता हूँ, अगर आप उस चीज़ से फेमिलियर हैं एंड यू नो माई टेस्ट एंड यू रिलेट विद माई टेस्ट, अगर आपको मेरे टेस्ट और अपने टेस्ट में मेरी सिमिलैरिटीज लगती हैं, तो टेक माई वर्ड इफ़ यू वॉन्ट टू एंड डोंट वॉच दिस ट्रिलॉजी, और मे बी वॉच इट वन टाइम वॉच इट इज़। ये ट्रिलॉजी सच में वन टाइम वॉच है, एंड द प्रॉब्लम इज़ कि तीसरी मूवी इतनी अच्छी है और पहली दो मूवी इतनी बेकार हैं कि उस तीसरी मूवी के लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए पहली दो मूवीज देखना वर्थ इट ना हो, हो सकता है कुछ के लिए हो, तो इट इज़ टोटली अप टू यू। मैंने बता दिया मेरा भैया जो भी मुझे लगा, मुझे मूवी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, इट इज़ अ बिलो एवरेज मूवी आई विल से। टेक्निकल एस्पेक्ट में बात करी जाए तो इट इज़ अ डिसेंट गुड मूवी, मतलब कुछ बुरा नहीं है टेक्निकल एस्पेक्ट में बात करी जाए तो, क्वालिटी साउंड डिजाइन वगैरह वगैरह सब कुछ ओके है, गुड है, कुछ बहुत ज्यादा भयंकर नहीं है, और स्टोरी वोरी के मामले में सब कुछ बहुत ज्यादा बिलो एवरेज है। फियर स्ट्रीट पार्ट 3 1666 इस पूरी ट्रिलॉजी की सबसे बेहतरीन मूवी, एंड पर्सनली आई रियली लाइक्ड इट। अच्छी स्टोरी है, अच्छी खासी ठीक ठाक सी स्टोरी है, ये मूवी 1666 में सेट है, उसके अलावा कुछ सीन्स करंट ईयर्स में भी हैं 2021 में, तो ओवरऑल इट इज़ अ गुड मूवी इन टर्म्स ऑफ प्लॉट, इन टर्म्स ऑफ स्टोरी इट इज़ अ गुड मूवी, एक ठीक ठाक अच्छी मूवी है, एवरेज हल्का सा अबव एवरेज कह सकते हैं। उसके अलावा अगर एक्टिंग की बात करी जाए, और ओ भगवान, 1666 में मूवी सेट है, बट डायलॉग इसका डायलॉग ऐसा लगता है कि भाई अभी परसों का ही है, अभी आसपास के लोग भी बोल रहे होंगे सेम डायलॉग, सिर्फ पुराने सेट से, पुराने कपड़ों से, पुरानी चीज़ों से कोई जो है 1666 नहीं बन जाता। डायलॉग मस्ट मैच, एंड अदर देन दैट इस मूवी के अंदर एक पोटेंशियल था कि ये लोग नए एक्टर्स को यूज़ कर सकते थे, तो क्या ताकि वो लोग वो अलग वाला एरा दिखा देते, अलग कैरेक्टर्स हैं तो अलग एरा, अलग एक्टर्स, एंड आई पर्सनली वॉन्टेड दैट, मैं चाहता था कि कुछ नए एक्टर्स भी मैं देखूँ, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में पहली दो मूवीज़ के ही एक्टर्स को यूटिलाइज कर लिया, और तीसरी मूवी में भी, जो कि एक ओके डिसीजन है, अगर दूसरे एक्टर यूज करते तो आई वुड रियली लाइक इट। उसके अलावा मूवी की स्टोरी मुझे पसंद आई, मूवी एंजॉयबल है, मूवी एंटरटेनिंग है, एंड आई विल रियली रिकमेंड यू टू वॉच दिस मूवी। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस अच्छी मूवी को एक्सपीरियंस करें और पहली दो मूवीज पे इतना समय आपको बर्बाद ना करना हो, तो एक्चुअली आप इस तीसरी मूवी को भी सिर्फ इसे ही देख के काम चला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक पूरी की पूरी कंप्लीट स्टोरी है, और पिछली दो मूवीज में एज पर स्टोरी के हिसाब से ज्यादा कुछ हुआ है नहीं, तो यू कैन वॉच जस्ट द रीकैप ऑफ दोज मूवीज और व्हाटएवर व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद। ओवरऑल मुझे मूवी पसंद आई, इस मूवी के अंदर डायलॉग्स इज वेरी बैड, एक्टिंग इज ओके, और उसके अलावा स्टोरी इज रियली गुड। तो दैट्स इट फॉर द फियर स्ट्रीट ट्रिलॉजी, दैट्स इट फॉर द थर्ड पार्ट ऑल्सो, इट इज अ बेटर मूवी एंड इट इज द बेस्ट वन इन द ट्रिलॉजी। तो इसीलिए अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है, तीनों देखनी है या सिर्फ तीसरी वाली देखनी है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी द थर्ड वन इज द ओनली वर्थ वॉचिंग, और द ओनली वन जो मैं कभी फ्यूचर में देखूंगा। सो दैट वॉज द बेसिक एनालिसिस ऑफ द फियर स्ट्रीट ट्रिलॉजी, पहली और दूसरी बकवास है, तीसरी वाली अच्छी है, जाके डायरेक्टली तीसरी वाली देखोगे तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं हो जाएगी, एंड दैट्स इट फॉर दिस थिंग द बेसिक एनालिसिस। उसके अलावा अगर बात करें बहुत ही जरूरी चीज के ऊपर, तो वो है भैया मुझे ये फियर स्ट्रीट ट्रिलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इसके अंदर रेफरेंसेस हैं लेकिन स्टोरी बहुत जेनेरिक है, एंड इट इज मेड द स्क्रीन प्ले इज अ बिलो एवरेज वन ऑफ द फर्स्ट टू मूवीज, और तीसरे वाला का भी इतना महान नहीं है, उसमें प्लॉट पॉइंट्स अच्छे हैं इसीलिए वो इतनी बढ़िया लगी मेरे को। और जो मेन चीज़ जो मुझे बोलनी थी वो ये है कि भाई ये मूवी, तीनों मूवीज ने बहुत भयंकर रिव्यूज बटोरे हैं, तीनों मूवीज 80 से ऊपर हैं, तीसरी मूवी 90 से ऊपर है रॉटन टोमेटोज पे, जो कि एक बहुत हाई बार होता है, एक हाई लेवल होता है एक मूवी के लिए। बट अगर फिल्म मेकिंग के परस्पेक्टिव से देखा जाए, राइटिंग के परस्पेक्टिव से देखा जाए, डायरेक्शन के परस्पेक्टिव से देखा जाए, तो ये तीनों मूवीज कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया मूवी है नहीं, और मेरे हिसाब से ये तीनों मूवीज अपनी जो ये रेटिंग्स हैं ये डिजर्व भी नहीं करती। ऑफकोर्स मेजॉरिटी लोगों को ये मूवी पसंद आई है इसीलिए इसकी इतनी अच्छी रेटिंग है, बट ओवरऑल आई बिलीव दैट दिस इज द प्रॉब्लम विद टुडेज टाइम, क्योंकि मूवीज इतनी बढ़िया नहीं है लेकिन उसके रिव्यूज़ और रेटिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इसलिए ये वाली ट्रिलॉजी जो है आगे कंटिन्यू होने वाली है, इसमें आगे और भी प्लान्स हैं जहाँ पे आगे और भी मूवीज या टीवी शोज बन सकते हैं,
और इसके अलावा जो ज़्यादा बढ़िया एक्लेम्ड और ज़्यादा बेहतरीन आर्टिस्टिक, ज़्यादा अच्छे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जो चीज़ें हैं, जैसे कि माइंड हंटर और जैसे कि कुछ और बढ़िया चीज़ें भी, वो सारी आगे कंटिन्यू नहीं हो रही क्योंकि उनकी रेटिंग्स अच्छी नहीं है, उनकी व्यूअरशिप अच्छी नहीं है। लेकिन इस चीज़ की जो कि बिलो एवरेज है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज़, उसकी रेटिंग्स अच्छी हैं, उसकी व्यूअरशिप अच्छी है, उससे नेटफ्लिक्स ने पैसा अच्छा खासा कमा लिया, तो इसलिए ये चीज़ होगी कंटिन्यू आगे और दूसरी चीज़ें नहीं होंगी। तो दैट इज़ द सैड रियलिटी वी आर लिविंग इन एंड दैट वी हैव टू यू नो बेयर विथ। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो।